गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खमागणी दोस्तों। मैं खड़ा हूँ समय गांधी मैदान में, शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। आज अपन चल रहे हैं नीमा नीमड़ी। उससे पहले हमारे यहाँ पे लाखों कबूतर हैं, उनको हम भाई लोग इनको दाना वगैरह सुगाते हैं सुबह सुबह और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो निकल पड़े दोस्तों हम नीमा नीमड़ी की तरफ। ये पीछे एक आपको अपन ऑन द वे है इस समय, पीछे आपको एक पुलिया नज़र आता है, इसको कहते हैं जोधपुर का खतरनाक पुलिया। यहाँ पर बहुत साल पहले एक यहाँ पर पानी भर जाता है बरसात के अंदर, तो दो घटनाएँ हुई थी, मैं आपको उससे रूबरू करवाऊँगा। एक मारुति वैन कार थी, उसमें एक पिता और एक छोटी सी बच्ची थी, तो पानी के अंदर पूरा जलमग्न हो गए थे। उसको मैं कॉलेज का स्टूडेंट था उस समय, तब मैंने उसको यहाँ से निकाला था। ये पीछे की तरफ आप रेलिंग देख रहे हैं, तो हुआ ये कि इस पुलिये से पानी जब भर गया था तो एक प्रोफेसर थे पाली के, उनकी बाइक जो है वो यहाँ पर पानी के साथ में बह के और ये पीछे बरसाती नाले के अंदर चली गई थी, ये जहाँ पे मेरी उंगली है। फिर हम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए थे और रात को 3 बजे उनको निकाला था। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं रातराड़ा एरिया के अंदर, बीजू टी स्टॉल, जोधपुर की बहुत अच्छी फेमस चाय है, चाय पी के और फिर आगे की तरफ चलते हैं। एकदम बढ़िया कड़क। नीमा नीमड़ी में शंकर भगवान का मंदिर है और नेचुरली वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वो भी, तो बंजर तो होंगे ही, तो उनके भी खाने के लिए कुछ केले वगैरह ले लेते हैं। पदवासिया मंडी फ्रूट मंडी के अंदर खड़े हैं, बंदरों के लिए केले ले रहे हैं और फिर सीधे चलते हैं नीमा नीमड़ी। बंदरों के लिए मटर ले रहे हैं और बंदर आपने देखा कितने पसंद करते हैं मटर को, तो अपन इस समय भदवासिया मंडी के अंदर खड़े हैं। ये देखिए कितनी बड़ी मंडी है, ये 3 फ्लोर है इसके, ये स्ट्रीट अलग है, आगे स्ट्रीट अलग है, पीछे स्ट्रीट अलग है और फिर उधर फ्रूट मंडी है। अब हमने मटर लिए हैं, क्या शुभ नाम आपका? मोतीराम जी, मटर अच्छे डाले ना? हाँ तो डाला सर। ज्यादा डाले? हाँ बांदरों के खाने के लिए ज्यादा डाले हैं। दो किलो एक्स्ट्रा डाला। अच्छा, एक 2 किलो हमने लिए थे, तो ये कह रहे हैं कि 1-2 किलो एक्स्ट्रा ही डाले हैं। हम मटर ले रहे थे, पास में राणा राम जी की दुकान है, उन्होंने कहा साहब हमारी तरफ से गाजर भी लेते हुए जाओ। ये इसको कहते हैं जोधपुर की अपनायत। राणा राम जी, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नीमा नीमड़ी। ये देखिए यहाँ का ये मुख्य द्वार, अंदर एक बहुत अच्छा मंदिर है, अभी दर्शन करते हैं। ये पानी की शिराएं हैं, नेचुरल रूप से पहाड़ों से पानी छड़कर यहाँ आता है। ये देखिए कितने कांच के जैसा पानी साफ है। अब इसमें एक सिक्का डालेंगे जो पता चलेगा कि ये पानी है। ये देखिए ये पहाड़ों से यहाँ से छनकर आ रहा है और बहुत शुद्ध पानी है, ये भगवान को चढ़ाया जाता है। पुष्टि वर्धनम उर्वारुकोद्वजनम मृत्यु मोक्षमामृता ओम त्रयंबकजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकोद्वजनम मृत्यु मोक्षमामृता। पहाड़ों का पानी अंदर जा पे हमने देखा कलेक्शन होता है और ये गौमुख से ये पानी यहाँ आता है एकदम प्योर फिल्टर, और इसके अंदर आकर जमा हो जाता है और बहुत मीठा और स्वादिष्ट पानी है। मंदिर के महाराज जी हैं,
तो जो भी आते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप तिलक लगाते हैं। एकदम बहुत सुंदर और चंदन का तिलक लगाया है। ये चरणामत है, प्रसाद है भगवान का। दोस्तों हम इस समय खड़े हैं मंदिर के महाराज जी के पास में। इस मंदिर के बारे में महाराज जी अपने को बताएंगे। अटे मंदिर पुराना है, 360 साल का, 360 साल का पुराना है, तो दर्शन करना है भगवान का। इसका नाम नीमा नीमड़ी क्यों है? इसका नाम वो नीम्बा हा, ये नीमड़ी ही तो दो ही जना निकल गया घरों। अच्छा, दो ही जना निकल गया तो तापता तापता उठ तब से तापी जब कहे भाई अट नीम्बो है अट नीमड़ी है अट आया पानी स्टार्ट है गो झरना। अच्छा, वो कौन लोग थे? वो भगत ही था। भगत थे, ठीक है। तो दोस्तों दो भगत थे, नाम था नीम्बा और नीमड़ी। वो घूम के और कई जगहों से यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर जो है इस जगह का नाम है नीमड़ी। नीम्बा यहाँ से थोड़ी सी दूरी के ऊपर है, अभी वहाँ चल के और नीम्बा का भी दर्शन करेंगे। ये मंदिर के अंदर डॉगी पाले हुए हैं। ये इसका पप्पी है, खेलने में व्यस्त है। एल्सेशियन ब्रीड लगती है। ये मंदिर की गौशाला है। अब हम जो चारा लेके आए वो गाय माता को खिलाएंगे। चारों तरफ बंदर ही बंदर आ गए हैं। ये अपने आप अपनी अपनी चीज़ें छाड़ छाड़ के खा रहे हैं, जिसको जैसा अच्छा लग रहा है। ये गाय आती है तो थोड़ा सा डर जाते हैं। बहुत सुख की अनुभूति हो रही है, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। मामा जी कैसा लग रहा है? बहुत शानदार। अच्छा मजा आ रहा है ना? बंदरों के बीच में देखिए आप। पकड़ लिया, बड़े प्रेम से खा रहा।
राजा। ये बहुत ही अलग की प्राकृतिक एहसास है दोस्तों, कभी इनके बीच में बैठ के और अपने मन को शांत करना आती। भाई साहब, क्या है नीमा नीमड़ी के बारे में आप हमको जानकारी देंगे? तो धनी लुगाई रो तो प्रयोग हो बिन बचो धनी लुगाई, या दोनों ही आदमी को लियोड़ी थी, वो आदमी को एक आटे वान बैठो नहीं, हाँ, बिन बचो फचे बाल लुगाई ते लारे भी आ गई सत्ती ही पहला सतवन थी के बिन बचो बिन वो आटे अनपाणी तयाकन बैठो जन आटे माती और एक छोटी सी मूर्त निकली मूर्ति। अच्छा, बाबा निकले थे शिवलिंग निकली थी, शिवलिंग रे माता पानी गिरियो वो इस पानी वो यूज करियो नी, जिन वजह बिन कोट दूजी सब कलंग कट गई, वो कटना रे वजह फिर बाजर मोहन वालू गई सतवंती अटाई अटाई जन टाइम बाकी के धनी लुगे ग्रस्त माता महादेव मंदिर माता रह नहीं सके, तो जन वेखियो ग्रस्त नहीं हो मैं सन्यासी हूँ, तो भी लोग और मन में भाई को नहीं भाई नहीं जन वास्ते वो कह कर लुगे कियो के आप जो भी छाया करी वट मैं बैठूला आप कटे दूसरी जगह वे तो नींबू नीमड़ी तो रहेगी अठे और नींबू गई पर बटे बटे भी सत्र पानी अठे भी सत्र पानी जो भी कुछ रोगी होगा बिन वो पानी पीते ही एकदम। तो दोस्तों, यहाँ के रहवासी लोग बताते हैं, इस समय हम खड़े हैं गौशाला के अंदर नीमड़ी में, इन्होंने बताया कि दो धनी लुगाई थे स्त्री और पुरुष जो भगत थे, कहीं से आए थे तो पति को कोढ़ हो गया था, तो वो घूमते घूमते इस स्थान पर आए, इस स्थान के ऊपर एक शिवलिंग था, तो उन्होंने उस शिवलिंग की पूजा की, वहाँ से अपने आप पानी आने लगा, जिससे जैसे ही उस पानी को उसके पति ने पिया तो उसका कोट जो है वो उतर गया था। तो यहाँ पे पास में कोड़ी खाना भी बना हुआ है, यहाँ के जितने भी कोड़ी जो बीमार लोग हैं वो यहाँ का ही पानी पीते हैं और बहुत जल्द ठीक भी होते हैं। यहाँ का पानी कई यहाँ से पानी कई तो यूज करता है आज भी नहीं, पहला तो ज़्यादा था, अब तो 30-35-20 दिन जो भी। तो यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर नीमा रहते थे, फिर बताया गया कि यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, साथ में नहीं रह सकते, तो फिर नीमड़ी उनकी जो पत्नी थी जहाँ पे अभी अपन खड़े हुए हैं ये वो स्थान है, और नीमा यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर है, तो अपन कोड़ी खाना भी देखते हैं और नीमा के भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, दिलीप जोशी ऑलराउंडर, देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ये है नीमा का स्थान, मंदिर परिसर के अंदर आ गए अपन, सूर्य कुंड नीमा तीर्थ, यहाँ पे भी गौमुख बना हुआ है, तो ये पानी यहाँ आता है और एकदम शुद्ध पहाड़ों का पानी, तो भक्तगण यहाँ पे आके और स्नान करते हैं, यहाँ का दर्शन भी करते हैं। प्रणाम महाराज जी, आशीर्वाद दो भक्तों को। ये पहाड़ों से नेचुरली ये पानी यहाँ आ रहा है सूर्य कुंड के अंदर, ये गौमुख है और यहाँ से ये पानी इस कुंड के अंदर इकट्ठा हो रहा है। दोस्तों, इस समय हमारे बहुत अच्छे भाग्य है कि हम नीमा नीमड़ी स्थल पर आए हुए हैं, पूजा का समय चल रहा है और महाराज जी भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, यह है सूर्य कुंड, नीचे की तरफ यहाँ से पानी जाता है। ये देखिए कितना साफ पानी है निर्मल, अब देखो कितना शीतल पानी है, इसमें से जैसे सिक्का फेंकेंगे तो पानी हिलेगा, जब पता चलेगा
कि ये पानी है, ये देखिए सूरज कुंड से पानी अंदर के रास्ते से होता हुआ और इस कुंड के अंदर आता है, जब अपन ने देखा था। ये सूर्य कुंड सूर्य नारायण मंदिर है, अंदर भगवान विराजमान है। मंदिर के ऊपर की तरफ यहाँ आकर और ये सूर्य भगवान का रथ लगा हुआ है। तो दोस्तों ये था नीमा और नीमड़ी, दो भक्त थे, कहीं दूर से आए थे, पति को कोढ़ था, पत्नी उनके साथ में सेवा कर रही थी। वो नीमड़ी स्थान पे आए, वहाँ पे उन्होंने शिवलिंग जो था उसकी पूजा की, पानी आया और उस पानी से उन्होंने पिया, तो पीने से उनकी तबीयत ठीक हो गई, उनका कोढ़ ठीक हो गया। और फिर बाद में ये दोनों अलग अलग स्थान पर आ गए, तो पत्नी नीमड़ी वाले स्थान पर रही और पति यहाँ नीम के स्थान पर रहे। दोस्तों हमने नीमा नीमड़ी के दर्शन किए। ये जो पीछे जगह नज़र आ रही है इसको कहते हैं कुष्ठ आश्रम। यहाँ से जो पानी आता है सूर्य कुंड से, तो ये पानी इन जो बीमार लोग हैं कुष्ठ के मरीज उनको पिलाया जाता है, उससे वो बहुत जल्द ठीक होते हैं, यहाँ की ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक भर्ती मरीज है, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। यहाँ के बारे में बताएं। साहब यहाँ तो गवर्नमेंट दाल रोटी देती है, आधा किलो दूध देती है, और आप जो भी लानी चाहो, चाय शक्कर है, बिस्किट है, जो भी यहाँ लाके आप दान कर सकते हो। तो इस स्थान के ऊपर आपने जब कभी भी आपको लगे कि कुछ करना है, तो कुछ चीज़ दान करनी है, दान तो नहीं कह सकते, कुछ सेवा रूप में देना चाहे, चाय शक्कर वगैरह, तो हम भी कई बार आते हैं और आप लोग जब कभी भी मेरे मित्रगण यहाँ पे बता रहे हैं, तो नीमा नीमड़ी के दर्शन के समय अपने साथ में कुछ सामग्री लाएं जो यहाँ पर अपन सेवा रूप में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑलराउंडर चैनल।